फिल्म रिलीज होने वाली है 7 जून को हमारे 12 बोलकर एडिट कराते हैं। सेंसर बोर्ड यहाँ पर खामोश है, भैरी है, मुक्की है। मूवीज को मूवीज के जरिए से ही जवाब देना है। किसी कम्युनिटी पे इल्जाम लगाकर आज आप पैसा कमाओगे, आप इतने बेईमान हो गए हो। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जो भी उस मूवी को बनाए हैं, एडिटर, सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नाउ इट्स इनफ एंड इनफ। दलित औरतों के सनों को काटा जाता था, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर जुल्म होना, कैसे हिंदू मुस्लिम एक होकर रहते थे। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga. आज के इस दिन के मौके पर ये जो फिल्म रिलीज होने वाली है 7 जून को हमारे 12 बोलकर, जबकि इंडिया भर में और वर्ल्ड भर में ये मालूम है कि सेंसर बोर्ड क्या काम करता है। और आज के इंडिया के फिल्म इंडस्ट्रीज में कोई हीरोइन अगर काम करने के लिए जाती है तो उसको क्या क्या रास्ते पार कर जाना पड़ता है, ये पूरी इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को बता चुके हैं कई हीरोइंस, कई एक्टर्स। उसके बावजूद भी सेंसर बोर्ड उसके ऊपर ध्यान देने के बजाय ये हमारे 12 हमारे 14 लड़कियों के ऊपर जुल्म, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर जुल्म होना, ये पर्टिकुलरली ये चीजों को सोचकर जो फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले अपनी अंदर की गंदगी को साफ करना है। अपने जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो हैं, गंदी सोच जो रखते हैं औरतों के खिलाफ, उनको पहले क्लियर कर लेना है। उसके बाद दुनिया भर में क्या हो रहा है, इंडिया भर में क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली मुसलमान कम्युनिटी में क्या हो रहा है, वो बताने की जरूरत बाद में है। आज हमारी और एक भी मजबूरी है, कोई इंडिया के अंदर एमपी इलेक्शन चल रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट रहने की वजह से यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स को और यहाँ के जो गाइडलाइंस आते हैं, इलेक्शन कमीशन के जो गाइडलाइंस आते हैं, वो गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए पुलिस डिपार्टमेंट को एक अश्योरेंस देते हुए आज हम ये प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। तो आज जब भी ये चीज हम प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि गुलबर्गा के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को एक डंके की चोट पे रखकर उसको वायलेट कर केस डाल लेकर ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन हम वो सब करने वाले नहीं है। हम जो कानून का दायरा रहता, इलेक्शन कमीशन के जो गाइडलाइंस रहते हैं उसको फॉलो करते हुए, पुलिस के जो कंडीशंस होते हैं उसके मुताबिक फॉलो करते हुए, विदाउट बैनर, विदाउट झंडे और विदाउट स्लोगन से आज हमारी बात को हम रख रहे हैं। हमें आने वाले टाइम पे क्या करना है, आने वाले हमारे और लीडर इसके बारे में तफसील बताएंगे। शर्म की बात है, सेंसर बोर्ड को भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मेमोरेंडम पेश किया गया। मामूली एक छोटी भी अगर हिंदू धर्म के खिलाफ अगर छोटी सी छोटी अगर बात है तो मूवीज को ना उसको रोकते हैं और एडिट कराते हैं। प्राइम मिनिस्टर वर्ड को भी चेंज किया गया है। हाँ, वही एडिट कराते हैं। सेंसर बोर्ड यहाँ पर खामोश है, भैरी है, मुक्की है यहाँ पर सेंसर बोर्ड। तो हमारा विरोध यही है कि सेंसर बोर्ड रहने के बावजूद भी यह मूवी पास हुई है, और मूवी में हम देखते हैं कि कुरान के बारे में, वो कुरान अरबिक में होता है, अरबिक का सही प्रोनाउंसिएशन उनको नहीं मालूम, सही प्रोनाउंसिएशन, वो तेलुगु बोल रहा है, मराठी बोल रहा है, बंगाली बोल रहा है, नहीं मालूम है, लेकिन अरबिक में सूरा बोल रहा है, उसका ट्रांसलेशन बोल रहा है। अगर किसी भी धर्म के ऊपर अगर टॉपिक पे अगर मूवी बनाना है तो उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है, उनके जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं उनके साथ बैठ कर डिस्कस कर उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करके उसके बाद मूवी बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई रिसर्च किया नहीं गया, कोई उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया, हमारे उलमा कराम के साथ सीधा सीधा एक मूवी बनाया गया, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर इनका पॉपुलेशन जो राइज हो रहा है इसके इश्यू के ऊपर इनका कोई मकसद नहीं है। एट्रोसिटी जो हर दिन हो रहा है औरतों के ऊपर उसके ऊपर इनका मकसद नहीं, इनका मकसद यही है कि हिंदू मुसलमान करो और एक तबका जो संघ परिवार है उनको खुश किस तरह से किया जाए, उसी मकसद से पिक्चर बनाई गई है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया चाहती है कर्नाटक में सिद्धरामैया जी की गवर्नमेंट है, कांग्रेस की सेक्युलर गवर्नमेंट है, सेक्युलर वोट लेकर आप चुन के आए हैं, और आपने वादा भी किया है कि इस तरह की जब भी कोई शैतानी साजिश होगी और इस तरह से काम होगा कि सेक्युलर कांग्रेस गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करेगी। हम उसी उम्मीद के साथ जो 7 तारीख को ये मूवी रिलीज होने वाली है कर्नाटक में, क्योंकि कांग्रेस ही सेक्युलर गवर्नमेंट है, हम उम्मीद करते हैं कि सिद्धरामैया जी इसको बैन करेंगे और इसको रिलीज होने नहीं देंगे। 2023 की एक रिपोर्ट जिसमें कि ये बताया गया कि एक साल में 32,000 से ज्यादा रेप, एक दिन में 9 से ज्यादा रेप, ये वो डेटा है जो एक्चुअली रजिस्टर्ड होता है, और अनरजिस्टर्ड डेटा तो हमें पता नहीं है। हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया की 200 कंट्रीज में टॉप लिस्ट पर आता है इन टर्म्स ऑफ रेप एंड ब्रुटैलिटी एंड क्रुएलिटी एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। एक ऐसी कंट्री जिसका डेटा टॉप पे आता है औरतों के खिलाफ तशद्दुद में,
दुनिया की एक वाहिद कंट्री जो औरत अगर चार बर्तन न लाए, एक स्कूटर न लाए तो उसे जिंदा जला दिया जाता है। ऐसी कम्युनिटीज जो इस मुल्क में रहती हैं और ऐसा वॉयलेंस जो इस मुल्क में देखने सुनने को मिलता है, यहाँ तक कि आपने देखा रेसलर्स, वो मुल्क की बेटियां जो लॉरेंस लेके आती है उन तक को नहीं छोड़ा जाता, वो अपनी इज्जत के लिए एहतजाज करती है, मेडल वापस करती है। ऐसी कंट्री में आप एक ऐसी फिल्म बना रहे हो जिसमें आप एक कम्युनिटी को ये बता रहे हो कि इस्लाम औरतों को दबाता है और इस्लाम औरतों को ये कहता है और इस्लाम औरतों को वो कहता है, ये तो एक मजाक हो गया, ये तो एक जोक मालूम हो रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान की सरजमीन पे खड़े होके औरत की प्रोटेक्शन की अगर आप बात कर रहे हो और कुरान से आयतें कोट कर रहे हो तो ये सरासर एक जिसे कहते हैं कि बहतान तराशी है, फेक और फॉल्स प्रोपोगेशन है। यानी कि आज सेंसर बोर्ड भी नहीं बचा सैफ्रोनाइज होने से, क्योंकि पिछले 10 साल से एक बहुत गंदी आइडियोलॉजी पावर में बैठी हुई है। उसी पावर का नतीजा है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस अपना हेट और अपना एजेंडा जो है वो इस तरीके से फैला रहे हैं। और एक चीज शर्म की बात यह है कि सेंसर बोर्ड और बॉलीवुड के पास आज एजेंडा नहीं रह गया किसी कम्युनिटी को मतलब कहते हैं झूठ बोलकर या किसी कम्युनिटी पे इल्जाम लगाकर आज आप पैसा कमाओगे, आप इतने बेईमान हो गए हो। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पे खड़े होके तो ये जुबान किसी की खुलनी नहीं चाहिए कि वो मुस्लिम औरतों को ये बता दे कि मुस्लिम औरतें सप्रेस्ड है, क्योंकि हम सबसे बड़े पीसफुल, क्योंकि हम रिएक्शन नहीं शो करते, हम कहीं निकल के शोर नहीं मचाते। हमारी अब आप इसको कहिए एक्चुअली पीसफुल होना हमारी एक खूबी है, हमारा इस्लाम पीस को पसंद करता है, हमारी एक ताकत है ये पीसफुल रहना, वो आज हमारी कमजोरी बन गई है। ऐसा लगने लगा है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को कि अगर मुसलमान निकल के चीखता नहीं है तो आप हमारे ऊपर कुछ भी बनाएंगे, आप हमारा कोई भी नाम रख देंगे। ऐसा नहीं है, अगर हम चुप थे तो अब हम चुप नहीं है, हम कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए तैयार है। मैं पूछती हूँ रेवन्ना भी फिल्म क्यों नहीं बनती, ब्रिज भूषण के ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनती, बिल्किस के 11 आरोप रेपिस्ट पे फिल्म क्यों नहीं बनती, आसिफा के रेपिस्ट पे फिल्म क्यों नहीं बनती, लिविंग रिलेशनशिप में जो लड़कियां काटी जाती है उन पे फिल्म क्यों नहीं बनती, डॉरी के नाम पे लड़कियां जलाई जाती है उस पे फिल्म क्यों नहीं बनती। बॉलीवुड वाले मुझसे कॉन्टेक्ट करें, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, मैं उनको बहुत सारी स्टोरीज दे दूंगी। हम बराबर एहतजाज करेंगे, अब हम एहतजाज पे एक्चुअली उतर आए, क्योंकि नाउ इट्स इनफ एंड इनफ। हमारे 12 मूवी जो आई हुई है ये एक एंटी मुस्लिम, एंटी कुरान और एंटी इस्लाम है, इसमें खुले आम औरतों की बेइज्जती की जा रही है। हालांकि सूरह बकरा आयत नंबर 222 और 23 में क्लियर कट बताया गया है, लेकिन उसको मिस इंटरप्रिटेशन करके लोगों में भड़काने का काम किया जा रहा है, पूरी तरह से फसाद फैलाने का काम किया जा रहा है। तो मैं एज ए मुस्लिम, एज ए सिटीजन होते हुए सख्त मजम्मत करती हूँ इस चीज से जो हमारे हिंदुस्तान में खुले आम औरतों को बेइज्जत किया जा रहा है। हालांकि कुरान ने मुसलमान औरतों को बहुत बड़ा दर्जा दिया है, इसके बारे में कभी नहीं बताया। और कुरान जीने का और सही तरीके रहने का, और जब औरत पैदा होती है पैदा होने से लेकर मरने तक का उसमें एक तरीका बताया गया है, लेकिन यहाँ पर इतनी गंदी तरीके से कुरान के आयतों को अपने बातों में हवाओं में तोड़ मड़ोड़ कर बताया गया है ताकि लोग देखकर और क्राइम करना शुरू करें। देखिए जो सेंसर बोर्ड है वो उसका तो दिमाग है या नहीं पता नहीं है, लेकिन हर चीज़ को उसकी तफसीर देखनी चाहिए। जिस तरह कुरान में वो मीनिंग दिया गया है लेकिन उसकी तफसीर क्या है, उसके पीछे डिटेल क्या है, वो लोग नहीं देखे, बस अपने जो दिमाग में चल रहा है उसको लेकर उसको तोड़ मड़ोड़ कर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, ये गलत है। तो इसीलिए सेक्शन 153A और 295A के तहत इनके ऊपर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जो भी उस मूवी को बनाए हैं, एडिटर, सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बकरा की आयत है उसका गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन देकर हवाला देते हुए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ाने के लिए मुनज़्ज़म पैमाने पर कुरान की ही हिदायत पर काम किया जाता है। यकीनन मुसलमान कुरान की जो हिदायतें हैं उस पर अमल करता है, लेकिन जिस अंदाज में वो आयत का इस्तेमाल किया गया है वो मानो ऐसा लग रहा है कि एक पर्टिकुलर एजेंडा इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। उनके खुद मनुस्मृति में ये लिखा गया है खवातीन औरतें जमीन है, उपजाऊ जमीन है और मर्द बीज डालने वाला है। तो इसका जो हवाला जो उसके अंदर मनुस्मृति में है उसी तरीके का एक अंदाज
गलत तरीके से इसमें पेश किया जा रहा है जो ये मूवी में बताया जा रहा है। एक मजहब के मानने वालों के दिल आहत हो जाए, यहाँ पर मुसलमानों को लगातार उनके दिलों को उनके उनके मजहब को ठेस पहुंचाने का काम करने की कोशिश फिल्मों के जरिए हो रही है। इससे पहले केरला फाइल्स आई थी, उससे पहले तमाम तर जो भी फिल्में की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए की जा रही हैं। देखिए, बॉलीवुड में ये पहली बार नहीं है, लगातार बॉलीवुड के अंदर हॉलीवुड के अंदर एक मुस्लिम की आइडेंटिटी को मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। ये पहली फिल्म नहीं है, ये जो हमारे 12 जो फिल्म है इसका लिमिट एक्सीड हुआ है, मतलब लिमिट के बाहर इन्होंने मूवी बनाई है। तो जो लोग भी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे 12 के ऊपर आपका रिएक्शन क्या है, तो तुम भी बनाओ उनके 16,000। देखिए, आप एहतजाज से हम लोग या फिर मेमोरेंडम से हम उनको बायकॉट से हम कुछ हद तक चीजों को रोक सकते हैं, लेकिन जब हद से ज्यादा अगर चीजें बढ़ जाती है तो आप भी उनकी हिस्ट्री खोल कर बताना है कि उनके 16,000 बताना है, वो भी बताना है कि एक वक्त पे ऐसा था कि औरतों को, दलित औरतों के सनों को काटा जाता था, वो भी हमें बताना है मूवीज के जरिए से। हमें वो भी बताना है कि दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर किस तरीके से जुल्म किया गया था, और हमें वो भी बताना है कि किस तरीके से इन्होंने जजिया लेते थे लोगों के पास से, किस तरीके से औरतों को इस्तेमाल करते थे, क्या मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है, क्यों अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाया था, इसके ऊपर मूवी बनना चाहिए, ये तमाम चीजें बनना चाहिए। भीमा कोरेगांव किस लिए हुआ था, इसके ऊपर भी मूवी बनना चाहिए, और मुसलमानों की क्या हिस्ट्री है उस पर भी मूवी बनना चाहिए। अगर हम इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, हम अगर सिर्फ एहतजाज तक महदूद रह जाएंगे, हम इनका जवाब नहीं दे सकेंगे। हमें जरूरी है कि सामने वाला जिस तरीके से, जिस गोली से हम पर अटैक कर रहा है, उसी गोली से उसको जवाब देना जरूरी है। मूवीज को मूवीज के जरिए से ही जवाब देना है, और मूवीज को इस तरीके से बताना है इंडिया का कल्चर क्या है, आजादी से पहले किस तरीके से लोग रहते थे, कैसे हिंदू मुस्लिम एक होकर रहते थे, कैसे रामलीला देखने के लिए मुसलमान भी जाते थे, ये कैसे ईद की सिवैयां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन में ईद की सिवैयां भी खाए हैं, ईद की बिरयानी भी खाए हैं, वो सब कुछ भूल गए हैं। कभी माइक के सामने आकर एक बात करते हैं और दूसरे जगह एक बात करते हैं, और पापा को खुश करने के लिए ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स और डायरेक्टर्स काम करते हैं। ये ऐसा एक घटिया, एक पागलपन नजर आ रहा है और कुछ भी नहीं है। हमें इसका मुंह तोड़ जवाब देना है, हमें एहतजाज भी करना है, FIR भी करना है, और इसके खिलाफ में हमारा खुद का एक विजुअलाइजेशन इंडस्ट्री में हमारा भी काम होना। देखिए, सेंसर बोर्ड को एक सेंसर की जरूरत है, ये हालत है। इंडियन इंस्टीट्यूशंस पूरे पूरे के पूरे पापा के लिए काम कर रहे हैं, सब पापा मोदी, मोदी पापा उनके, हर कोई मोदी 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 कर रहा, और मोदी यानी बचकानी हरकतें कर रहे हैं। ये देखिए, भाषा सुनिए, जो जबान सुनिए, इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है भारत माता की। इन्होंने जो भारत माता की जय हम जो लगाते हैं, इन्होंने जो लगाते हैं, भारत माता की बेइज्जती हो रही है। नरेंद्र मोदी जब भी मुंह खोल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, कभी ये कहते हैं मुजरा करो, मैं यहां पर कहना चाहता हूं 4 जून को नरेंद्र मोदी का मुजरा हम देखेंगे, और जरूर देखेंगे, आप सब लोग देखेंगे इंशाल्लाह। नहीं, हम लोग एहतजाज करेंगे, थिएटरों में ये मूवी आने नहीं देंगे। हम कांग्रेस सरकार से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे और मोहतरमा कनीस फातिमा, सिर्फ मुसलमानों के वोट लेने से नहीं चलेगा। आपको चाहिए, मैं मोहतरमा कनीस फातिमा जी को कहना चाहता हूँ, आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लेटर पे आप सीएम सिद्धरामैया को लेटर लिखना है, लेटर लिखकर आप डिमांड करना है, उन्हें बैन करते नहीं करते वो सेकेंडरी, हम उनको फिर इलेक्शन में देख लेते हैं, जैसा इससे पहले हराए थे इस बार भी हराते हैं, लेकिन उन्हों इस बार अपने MLA के लेटर पे लिखना है, CM को लिखकर ये कहना है कि इस मूवी को बैन किया जाए, और पूरी अवाम को बताना है उन्हों कि मैंने ये लेटर लिखी थी बोलकर।
और प्रियंक खड़गे जी सिर्फ खाली मुसलमानों को साथ में लेकर फिरे तो नहीं चलता, मुसलमानों के वास्ते काम भी करना पड़ता आपको, और आपको चाहिए आप भी इसके लिए प्रेशर डालें और किसी भी हालत में इस मूवी को हम आने नहीं देंगे। और ये अगर मूवी 7 जून को रिलीज होती है तो हम सड़कों पर एहतजाज करेंगे, जब कोड ऑफ कंडक्ट भी हमारे लिए क्या भी नहीं है। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road, Gulbarga.